अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। CSS 2022 रिटन पार्ट रिजल्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा क्या राइयाँ हो रही हैं, बहुत स्पेकुलेशंस हो रही हैं और बहुत सारे एस्पायरेंट्स वेट भी कर रहे हैं कि रिटन पार्ट के रिजल्ट को देखते हुए अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। तो उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए मैसेज है कि आप लोग रिज़ल्ट का वेट मत करें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस पे देखें तो टेस्ट जो है वो जो रिटन पार्ट है वो फैब में कंडक्ट होता है यूजली, और इसका रिज़ल्ट आता है अक्टूबर में। तो ये तकरीबन 8 महीने बनते हैं, और इस दफ़ा जो CSS के एग्ज़ाम्स हुए हैं वो मई के महीने में हुए हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जल्द अज़ जल्द भी अगर रिज़ल्ट आता है तो वो दिसंबर के अंदर अनाउंस होने के चांसेस हैं। तो नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्ट में पॉसिबिलिटी है कि जो है वो रिज़ल्ट आप लोग का अनाउंस हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग वेट कर रहे हैं कि जी रिज़ल्ट अनाउंस होगा रिटन पार्ट का तब जाके हम अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है FPSC की। लास्ट ईयर भी जो DMC है वो रिज़ल्ट के बाद आती है, 1-2 दिन लग जाते हैं जो फेल कैंडिडेट होते हैं उनकी DMCs के लिए। जो पास करते हैं उनकी DMCs तो है वो नहीं दी जाती हैं, जो रिटन पार्ट क्वालिफाई करते हैं। तो उन लोगों की DMCs भी जो है वो लास्ट ईयर आपकी डेट निकल जाने के बाद आई थी। तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो है वो DMC आपकी पहले आएगी तभी आप जो है वो नेक्स्ट ईयर की जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट होगी, तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है या नवंबर के एंड में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो है वो कुछ लोगों ने FPSC को ईमेल्स भी की थी, उनको भी FPSC ने दिसंबर की डेडलाइन दी है, और मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही है कि दिसंबर तक ही जो रिज़ल्ट है वो आप लोग का एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग वेट मत करें और जल्द अज़ जल्द जो है वो अपने जो फॉर्म्स हैं वो जमा करवा दें, क्योंकि बाद में जो लास्ट डेट्स होती हैं उसमें जो है वो अक्सर इनका सर्वर डाउन भी हो जाता है और आपकी डेट जो है वो आगे भी नहीं बढ़ती है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना आपने, 14th of November आई गेस इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप जो है वो अपने तमाम काम जो है वो कम्प्लीट कर लें। डिटेल मैंने शेयर की हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं वो भी आप जो है वो देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। और होपफुली जो लोग 2022 के रिज़ल्ट का इंतज़ार करें उनके लिए ये रिज़ल्ट जो है बेहतर साबित हो, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही था, अल्लाह हाफ़िज़।